नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो फॉर्मूला आईयूपीएसी संस्था ने दिया है उसके प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में आइडिया लेंगे, क्लियर ना। तो इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट करने वाले अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। इससे पहले कि ध्यान से सुनिए, हम लोग नोमेनक्लेचर को तीन पार्ट में पढ़ेंगे। इसको तीन वर्ग में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर, या इसी को बोल सकते हैं जेनेवा सिस्टम नोमेनक्लेचर। दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे डेराइव्ड नेम। उसके बाद अपन पढ़ने वाले कॉमन नेमिंग, या उसी को बोलते हैं ट्राइबल नेमिंग, ट्राइबल नोमेनक्लेचर, क्लियर ना। तो हेडिंग लगेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नोमेनक्लेचर तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक आईपीएसी नोमेनक्लेचर, पहला हम लोग क्या कवर करेंगे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर या नेम, या इसी को जेनेवा सिस्टम भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेवा सिस्टम, स्पष्ट ना। दूसरा हम लोग कवर करेंगे डेराइव्ड नेम, और तीसरा लास्ट करेंगे हम लोग कॉमन नेमिंग, या इसी को हम लोग ट्रिबल नेमिंग बोल सकते हैं, क्लियर ना। कंफ्यूजन तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर, क्योंकि आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ लेने के बाद ये सब जितना है बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे और इसको पढ़ने के बाद तुरंत इसको पढ़ेंगे, एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। यदि आईपीसी नोमेनक्लेचर को समझ जाते हैं तो डिराइव्ड नेम में भी हमको कोनो प्रकार का प्रॉब्लम जनरेट होने वाला नहीं है, और कॉमन नेम ट्रिबल नेम में कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग आसानी से बिना रटे कॉमन नेम को हम लोग समझ जाएंगे, कब, जब आईपीसी नोमेनक्लेचर पर कमांड रहे तब। तो चलिए इसको नोट करें और हेडिंग लगाए आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर किसका, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है ना छोटू। तो हेडिंग लगाओ मेरे भाई, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएससी, आईयूपीएक पढ़ा जाता है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान रहे इसका हिंदी होगा कार्बनिक यौगिकों का आयुपेक नामकरण, क्लियर ना, आयुपेक नामकरण। सबसे पहले कि आयुपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्लियर ना। तो ये फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। आईयूपीएक एक संस्था है, ठीक है ना, आईयूपीएक एक इंस्टीट्यूट संस्था है, ठीक है ना, यह संगठन होता है, ठीक है ना। तो चलिए आईपीसी नेम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला पॉइंट तथ्य स्टार्ट करेंगे फैक्ट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण करने के लिए आईपीसी संस्था ने, आईपीसी ने पांच अवयवों का एक आईपीसी फॉर्मूला फॉर्मेट दिया,
फॉर्मूला दिया जिसके बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नामकरण हम लोग आसानी से करते हैं। उस रूल को पांच कंपोनेंट के बारे में यदि आइडिया रहे तो हमको कहीं पर भी नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण करने के लिए आईपीएससी संस्था ने पांच अयवों का एक आईपीएससी फॉर्मेट दिया, फॉर्मूला दिया, आईपीएससी सिस्टम दिया जिसके आधार पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको स्टेटमेंट में। तो बच्चों यहां पर स्टेटमेंट के थ्रू लिखा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए आईपीएससी संस्था ने आईपीएससी ने पांच अवयव कंपोनेंट्स का एक आईपीएससी फॉर्मूला दिया, एक आईपीएससी सिस्टम दिया, परमिट दिया जिसके आधार पर या जिसके सहायता से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। और वह फॉर्मूला होता है बहु मेरे 21012। क्या होता है 21012 यही फॉर्मूला होता है। इसमें जो जीरो होता है मेरे भाई ये वर्ड रूट को इंडिकेट करता है। क्या है मेरे भाई वर्ड रूट को इंडिकेट करता है और वर्ड रूट के पहले लगने वाला जो होता है पूर्व लगन जिसको कहते हैं उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो ये आपका एक डिग्री प्रीफिक्स होता है। कौन डिग्री? एक डिग्री प्रीफिक्स होता है। उसके बाद दो है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दो डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या होता है मेरे भाई दो डिग्री प्रीफिक्स होता है। और वर्ड रूट के बाद जो आता है वन ये सफिक्स होता है। तो एक डिग्री सफिक्स ठीक है ना, एक डिग्री सफिक्स। उसके बाद क्या है दो डिग्री सफिक्स। कंफ्यूजन है ना। तो बारी बारी से सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग वर्ड रूट को जानेंगे, किसको जानेंगे वर्ड रूट को, उसके बाद प्रीफिक्स को पढ़ेंगे, देन सफिक्स को पढ़ेंगे। जब पांचों कंपोनेंट के बारे में हमें पकड़ हो जाएगा ठीक है ना, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग आसानी से नामकरण कर लेंगे। कितना हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रहे ऑर्गेनिक हम लोग आसानी से नामकरण कर सकेंगे। एक बार फिर से समझिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए आईपीएससी ने पांच अयव का एक आईपीएससी फॉर्मूला दिया जिसके आधार पर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। वह क्या है फॉर्मूला 21012 है। 21012 यहाँ पर जीरो वर्ड रूट को इंडिकेट करता है। वर्ड रूट को क्या होता है वर्ड रूट इस सभी के बारे में अध्ययन करने वाले अभी ठीक है ना। वर्ड रूट के पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है, एक डिग्री प्रीफिक्स और दो डिग्री प्रीफिक्स इसको बोल सकते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स है, एक डिग्री प्रीफिक्स दो डिग्री प्रीफिक्स ठीक है ना। ये एक डिग्री ये वर्ड रूट के बाद जो लग रहा है उसको सफिक्स करते हैं, एक डिग्री सफिक्स दो डिग्री सफिक्स। माने ऑर्डर किस क्रम में हम लोग नामकरण करेंगे तो किस क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले नामकरण के दौरान दो डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, तब एक डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, तब वर्ड रूट, तब एक डिग्री सफिक्स, तब दो डिग्री सफिक्स। ये कब हम लोग क्लियर करेंगे जब इन सभी पांचों कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तब ठीक है ना। तो इतना नोट करें बाबू मेरे। तो बाबू हम लोग जो फॉर्मूला हमारे पास मिला है पीसी फॉर्मूला 21012, पहले हम लोग वर्ड रूट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वर्ड रूट को समझने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि पैरेंट चेन क्या होता है, या इसी को मेन चेन के नाम से जाना जाता है, मुख्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो पैरेंट चेन किसको कहते हैं, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का वह चेन, कार्बन जब आपस में जुड़ते चला जाए तो उसको कार्बन चेन के नाम से जाना जाता है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की वह चेन जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है उसी को पैरेंट चेन के नाम से जाना जाता है, पैरेंट चेन के नाम से जाना जाता है। जैसे मेरे भाई एग्जांपल हमने ले कार्बन 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 ठीक है ना, और बहुत सारा एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं हो सकता ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चला गया है तो इसको कार्बन चेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं पेरेंट चेन जनक श्रृंखला क्या होता है, मुख्य श्रृंखला। तो हम बोले किसी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से और ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही पेरेंट चेन होता है जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन माने लगातार कार्बन परमाणु संख्या क्या हो अधिक है। यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू लिख दिया गया है मेरे भाई कि कार्बन की चेन जिसमें कार्बन की वह चेन लिख दीजिए
कार्बन की वह चेन है जिसमें कंटीन्यूअस माने लगातार कार्बन एटम की संख्या मैक्सिमम माने अधिकतम होती है, तो उसे पैरेंट चेन के नाम से जाना जाता है। जैसे मेरे भाई ये है एक कंपाउंड ऑर्गेनिक, हमको सिलेक्ट करना है कार्बन चेन, तो कंटीन्यूअस होना चाहिए। देखो कार्बन कार्बन खट 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 खट, अब नीचे आएंगे तो भी हो सकता है, लेकिन नीचे आएंगे तो एक दो को कंटीन्यूअस कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो एक दो तीन, तो उधर जाएंगे जिधर अधिक मिले, इधर एक दो तीन इधर एक दो, तो उधर जाएंगे जिधर अधिक कार्बन मिले कंटीन्यूअस, उसी को पैरेंट चेन कहेंगे। तो ये हमारा हो गया पैरेंट चेन, पीसी माने पैरेंट चेन। और जो बेचारा बच जाता है, ये बच गया ना साइड में, तो इसको हम लोग साइड चेन कहते हैं, साइड चेन, चाहे इसी को सब्स्टिट्यूएंट्स या इसी को बोल सकते हैं ब्रांचिंग, क्या बोल सकते हैं ब्रांचिंग, स्पष्ट ना। यहां पर पैरेंट चेन मान लो ये हो गया मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइड चेन, एस सी माने साइड चेन, ये भी क्या हो गया साइड चेन, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसमें कंटीन्यूअस कार्बन अधिक है, एक दो तीन चार पांच छह, तो इसको हम लोग पैरेंट चेन कहेंगे, पीसी माने पैरेंट चेन। तो हमको लगता है कि आप पैरेंट चेन के बारे में समझ गए हैं, साइड चेन क्या होता है, सफिशियंट ही होता है, ठीक है ना, ये भी आप समझ गए हैं कि कार्बन की वह श्रृंखला होती है जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो, उसी को पैरेंट चेन के नाम से जाना जाता है। जब पैरेंट चेन को हम लोग समझ गए हैं तो फिर वर्ड रूट समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, वर्ड रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि वर्ड रूट ही इसी पर आधारित है, ठीक है ना। तो वर्ड रूट क्या होता है उसको आप लोग देखेंगे, तो वर्ड रूट किसको कहते हैं, तो पैरेंट चेन में, किसमें पैरेंट चेन समझ गए, पैरेंट चेन या साइड चेन में कुल परमाणुओं की संख्या वर्ड रूट कहलाता है। तो इसको आप नोट करें, हम इसके बाद पढ़ते हैं वर्ड रूट के बारे में। देखिए तो मेरे बाबू यहां पर वर्ड रूट को डिफाइन किया गया है, वर्ड रूट क्या है, तो पैरेंट चेन या साइड चेन में प्रेजेंट माने उपस्थित कुल कार्बन एटम की संख्या वर्ड रूट कहलाता है। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन या साइड चेन, यदि पैरेंट चेन या साइड चेन में कार्बन परमाणु की संख्या एक हो जाए, सी की संख्या कार्बन की संख्या एक हो जाए, तो वर्ड रूट मेथ होता है, आपको याद आ गया, दो होता है तो एथ, तीन होता है तो प्रोप, बोलो स्पेलिंग ध्यान रहे, चार होता है तो ब्यूट, बट नहीं ब्यूट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, पांच होता है तो पेंट, क्या बोलो मेरे पेंट, छह होता है तो हेक्स, स्पष्ट ना, इधर लिख दे रहे हैं, सात हो जाए तो हेप्ट, हेप्ट, आठ हो जाए तो ओक्ट, नौ हो जाए तो नॉन, दस हो जाए तो डेक, डीईसी डेक, डेस नहीं डेक, ग्यारह हो जाए तो अनडेक, बारह हो जाए तो डो डेक, ठीक है ना, तेरह हो जाए ट्राई डेक, क्लियर, ऐसे ही पंद्रह हो जाए सोलह हो जाए, लिख रहे हैं आप लिखिए इसको। तो बच्चों यहां पर तेरह के बाद चौदह के लिए टेट्राडेक, पंद्रह के लिए पेंटाडेक, सोलह के लिए हेक्साडेक, सत्रह के लिए हेप्टाडेक, अठारह ऑक्टाडेक और उन्नीस मोनाडेक और बीस आईकॉस, इक्कीस हेनी आईकॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना काफी है, ट्वेंटी तक हमको याद होना चाहिए, इसके आगे एक हजार तक लिखने से कोई फायदा नहीं है, हंड्रेड तक लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस बीस तक काफी है, इससे ज्यादा संभव है लेकिन एग्जाम में या प्रॉब्लम्स रिलेटेड इससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं, क्लियर ना। तो चलिए लिख लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड रूट में, हो गया वर्ड रूट हो गया इक्कीस जीरो बारह में, अब वर्ड रूट में जो इक्कीस जीरो बारह है ये वर्ड रूट तुम्हारा, अब हम लोग इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दो डिग्री प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग लाओ दो डिग्री प्रीफिक्स, दो डिग्री प्रीफिक्स, दो डिग्री प्रीफिक्स या साइड चेन को बताता है, दो डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है, साइड चेन। अभी जो पैरेंट चेन तुमको पढ़ाए हैं तो वहां पर साइड चेन के बारे में अभी बताए हैं, ठीक है ना। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट साइड चेन, या उसी को बोलते हैं सफिशिएंट, या उसी को बोलते हैं क्या,
या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं कि इट गिव्स आइडिया अबाउट साइड चेन। तो साइड चेन क्या होता है, पैरेंट चेन को छोड़कर अन्य जो छोटे छोटे जूनियर ग्रुप होते हैं उसी को क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर इट गिव्स आइडिया अबाउट साइड चेन, साइड चेन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग। तो दूरी बिजनेस किसको बताता है, साइड चेन के बारे में बताता है। कोई कहे साइड चेन क्या है, तो कहिएगा पैरेंट चेन के छोड़ के अन्य जितना भी जूनियर ग्रुप आएगा, जैसे NO2 आ गया, कुलरीन आ गया, CH3 आ गया, ठीक है ना, और बहुत सारा चीज आ सकता है आपका, NC आ गया, ठीक है ना, कार्बन कार्बन आ गया। तो ये हम मान लीजिए पैरेंट चेन बता दिए तुमको कि ये पैरेंट चेन है। तो ये जो बच गया है जूनियर ग्रुप, ये सब के सब मेरे भाई, ये दो डिग्री प्रीफिक्स होता है। क्या होता है, दो डिग्री प्रीफिक्स होता है, या इसी को हम लोग साइड चेन कहते हैं या सब चेन कहते हैं। ये भी दो डिग्री प्रीफिक्स, दो डिग्री प्रीफिक्स, दो डिग्री प्रीफिक्स, ये भी दो डिग्री प्रीफिक्स, ये भी क्या है, दो डिग्री प्रीफिक्स, दैट मीन्स साइड चेन है। तो आप साइड चेन समझ गए क्या होता है, दो डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट साइड चेन, क्लियर ना। तो इसको आप नोट डाउन करें, इसके आगे बढ़ते हैं। तो बाबू अब हम लोग देखेंगे सब इंपोर्टेंट दो डिग्री प्रीफिक्स, या उसी को सब्सटेंट या साइड चेन कहते हैं, ठीक है ना। तो दो डिग्री प्रीफिक्स पहले खूब डीपली पढ़ते हैं, क्लियर। तो हेडिंग लगाइए सम इंपोर्टेंट, सम इंपोर्टेंट, सम इंपोर्टेंट दो डिग्री प्रीफिक्स, दो डिग्री प्रीफिक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन, एससी माने साइड चेन, या इसी को सब्सटिट्यूएंट बोल सकते हैं। संक्षेप में सब्सटिट्यूएंट को क्या लिखिएगा, एस यू बी एस टी, सब्सटिट्यूएंट। जैसे हमेशा ट्रीट करेगा, हैलोजन हमेशा सब्सटिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है ना। एक्सरे है तो इसको हम लोग कहेंगे हेलो, क्या कहेंगे, एच ए एल ओ, स्पेलिंग ध्यान में रखें, हेलो क्या बोला जाएगा, हेलो। इसके ऊपर यदि फ्लोरीन रहे तो क्या कहेंगे, फ्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन रहे तो क्या बोलेंगे, बोलो, ब्रोमो। क्लोरीन रहे तो क्लोरो, आयोडीन रहे तो आयोडो। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन नहीं रहा। तो ये सब सब्सटिट्यूएंट है, ये सब। यदि NO2 आ जाए तो इसको हम लोग नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रो। NO आ जाए तो इसको नाइट्रोसो बोला जाता है, नाइट्रोसो। यदि NC आ जाए तो आइसो साइनो बोलते हैं, आइसो साइनो बोलते हैं, क्लियर ना। इसको आप इतना नोट करें फर्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अल्केन में आते हैं, जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास आर एच है, ठीक है ना, ये ना बेसिकली अल्केन होता है। यदि कार्बन कार्बन में क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन होगा। इस अल्केन से एक हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं, जब एक हाइड्रोजन ये निकल रहा है तो बाबू जाहिर सी बात है ये R और ये वैलेंसी फ्री हो जाएगा, यहां वाला H तो हट गया, तो इसको हम लोग अल्केन कहते हैं। और जब इससे निकल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइल, क्या कहते हैं, अल्काइल। अल्क जो है ये वर्ड रूट होता है, डब्ल्यू आर होता है, वर्ड रूट होता है। और ये जो है वाइल, जब इसका वैलेंसी फ्री रहेगा ना, इसके बदले में वाई एल जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसा सी एच फोर है, एक कार्बन है ना, तो एक के लिए वर्ड रूट मेथ होता है, इसको हम लोग मेथेन कहते हैं।
जब इससे क्या कर दे हाइड्रोजन निकाल दे तो चार हाइड्रोजन है, एक तो निकल जाएगा तब तीन हो जाएगा और इसका एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। तो इसको कहेंगे एक कार्बन है तो वर्ड रूट मेथ होता है। क्या होता है वर्ड रूट मेथ होता है जब कार्बन की संख्या एक रहे। देखो वर्ड रूट में के लिस्ट में मेथ, और जब इसका वैलेंसी फ्री है ये बाउंड फ्री है तो इसमें क्या लगा देंगे वाई एल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा मिथाइल। ऐसा ही मेरे बाबू C2H6 है, इससे हाइड्रोजन निकाल दिए। दो कार्बन है तो इसका अल्केन दो के लिए एथ, ठीक है ना। इसमें ANE जोड़ेंगे तो एथेन, इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C2 रहेगा, एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो 6 से 5 हो जाएगा। तो इसका दो कार्बन है तो लिखेंगे एथ, दो कार्बन का देख लो वर्ड रूट क्या होता है एथ होता है, और इसमें क्या जोड़ देंगे वाई एल जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा इथाइल। नाम क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। तो आपको समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं हो रहा है ना, क्लियर ना। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं बिना हाइड्रोजन विस्थापित किए, दैट मींस ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन को निकाल दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, जैसे ध्यान दीजिए भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH2 CH3 CH2 और CH3 है, इसका नाम बताना है। तो इसमें कई कार्बन है, तीन के लिए वर्ड रूट प्रोप, और इसका वैलेंसी फ्री है ना, तो इसमें जोड़ देते हैं YL। स्पष्ट ना, जब इस तरह कंपाउंड आ जाए, ठीक है, और सीधा रहे स्ट्रेट रहे, क्या रहे स्ट्रेट रहे एकदम सीधा रहे, और तीन को कार्बन आ जाए या तीन को से अधिक, तो उसके नाम के पहले नॉर्मल माने एन लगा देते हैं। क्या कहेगा नॉर्मल, एन रहे तो क्या पढ़िएगा नॉर्मल। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं CH2 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 CH3, ठीक है ना। तो चार को है ना, तो कहिएगा नॉर्मल, चार के लिए वर्ड रूट ब्यूट, आ इसमें जोड़ देंगे वाई एल, नाम क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। ऐसे ही मेरे भाई CH2 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 CH3, इसमें कितना कार्बन है काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए वर्ड रूट पेंट होता है। क्या होता है पेंट, एक वैलेंसी फ्री है तो इसमें वाई एल जोड़ते हैं, नाम क्या हो जाएगा पेंटाइल। लेकिन सीधा है और कार्बन की संख्या इस सीधा में तीन से अधिक है, तो इसमें नाम के पहले नॉर्मल लगा दिया जाता है। कंफ्यूजन नहीं है आपको, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखो जैसा CH3 CH और CH3 यहां से बीच में से हाइड्रोजन निकाल दिया गया, तो जब सीधा रहे ना, जब स्ट्रेट रहे, क्या रहे स्ट्रेट रहे, तो नाम के पहले नॉर्मल लगाएंगे और नॉर्मल को संक्षेप में एंडेस लिखेंगे, क्लियर ना। यदि शेप माने आकार टी के जैसा बने तो नाम के पहले आइसो लगाएंगे, क्या लगाएंगे आइसो लगाएंगे, क्या लगाएंगे हो आइसो लगाएंगे। आ जब प्लस बने ना प्लस, तो इसके नाम के पहले हम लोग लगाते हैं नियो, क्या लगाते हैं नियो। कंफ्यूजन नहीं ना है, ये ध्यान रहे कंसेप्ट, इसका हम लोग डीपली पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन नेम का जिक्र करेंगे अल्केन के लिए, ताकि हमको आईपीएससी नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो अल्केन का कॉमन नेम हम जिक्र करेंगे ट्रिपल नेम अगले क्लास में, कॉमन नेम से ही स्टार्ट करेंगे अल्केन का, और वहां पर टर्शियरी कब लगाते हैं सेकेंडरी कब लगाया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्लियर। उस पर चर्चा करेंगे टर्शियरी कब लगता है सेकेंडरी कब लगता है, स्पष्ट ना। नियो कब लगाते हैं और नियो टर्शियरी सब फंसता है मामला, तो जिसको हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, क्लियर, पूरा 110% गारंटी लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप एकदम बिंदास, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है उस पर एकदम कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछना हो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात
जो क्लासरूम में बाबू मेरे आपको पढ़ाया गया था, जो क्लासेस में आपको पढ़ाया गया था बाबू, जहां तक अब उसके बाद सुबह में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड होगा वीडियो और शाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए चूंकि इस तरह से क्यों हम कर रहे हैं बाबू मेरे, इसको इसलिए हम कर रहे हैं कि केमिस्ट्री हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना है प्लस ऑर्गेनिक पर थोड़ा सा ज्यादा समय देना है ताकि भविष्य में हमको दिक्कत ना हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मॉर्निंग मॉर्निंग हम लोग देखेंगे 6 बजे मॉर्निंग में, और इन ऑर्गेनिक या फिजिकल आपके डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, शाम में 3 बजे अपलोड होगा 3:30 बजे, ठीक है ना। वीडियो का लेंथ 30 मिनट 40 मिनट हो सकता है, समझ में आ रहा ना, जिसको आपको ईमानदारी से प्रत्येक दिन वीडियो लेक्चर को देखना है ध्यान से और उसको कंप्लीट करना है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी बनता है कि हमें भी मेहनत करना चाहिए, क्लियर ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो ये दो देख मेरे भाई, ये शेप टी के जैसा है ना, ये ऊपर भी हो सकता है उल्टा टी, इधर भी उल्टा टी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, ठीक है ना। तभी टी को किधरों ना चाहते तो पहचान जाएगा ना, टी को बोलो पहचान जाएगा। तो ये टी के जैसा है तो इसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आइसो, तो नाम हो जाएगा आइसो, क्या हो जाएगा आइसो। कार्बन का गए 1 2 3 गए तो आइसो, 3 गए तो प्रोप, वैलेंसी 3 है तो वाई एल, नाम क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, नाम क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। ऐसा ही मेरे भाई CH3 CH CH2 CH3, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है, क्लियर ना। एक और जोड़ दे मेरे भाई, इसको और जोड़ दे, इसका नाम बताओ, बता देगा तू, काउंट कर ले कार्बन 1 2 3 4 5 को है, अट्टी के जैसा है तो आइसो, ठीक है ना। आप 5 के लिए वर्ड रूट पेंट, वायलेंसी फ्री है तो वाईएल, आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, कहीं कंफ्यूजन नहीं लग रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियो वाला एग्जांपल, नियो वाला ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, नियो का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए नियो में मेरे भाई CH3 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 और ये वायलेंसी फ्री, अब इसको बताना है तो प्लस के जैसा है ना, तो प्लस के जैसा था तो हम लोग क्या कहते हैं नियो, कई गो है 4 गो है, तो नियो ब्यूट वायलेंसी फ्री है तो वाई एल, नियो ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा नियो ब्यूटाइल, क्या समझे नियो ब्यूटाइल। तो हमको लगता है कि इस तरह क्वेश्चन आए रिलेटेड तो आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको आप नोट करिए, तो बाबू यहां पर हम लोग अब नेक्स्ट चीज सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ओ आर है और इसका वैलेंसी फ्री है, तो इसका नाम ना बाबू अल्कॉक्सी होता है, क्या होता है अल्कॉक्सी, ठीक है ना। यदि ओ आर, आर के लिए पर सी एस थ्री ले रहे तो कई को कार्बन है, एक कार्बन है तो वर्ड रूट मेथ, एक कार्बन है तो वर्ड रूट मेथ, और आप नाम उनसे उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। ऐसे ही हम इस को ले सकते हैं ओ सी टू एच फाइव, या इसी को लिख सकते हैं ओ सी एच टू सी एच थ्री, या इसी को लिख सकते हैं ओ ई टी, ठीक है ना। ध्यान रहे बाबू मेरे, ये सी एच थ्री लिखो और चाहे एम ई लिखो, दोनों मिथाइल होता है, सी टू एच फाइव लिखो और चाहे ई टी लिखो, इथाइल होता है, ठीक है ना। अच्छा सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री लिखो या पी आर लिखो, ठीक है ना, प्रोपाइल होता है। ऐसा ही 4 गो कार्बन वाला आ जाए मेरे भाई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बीयू ब्यूटाइल, स्पष्ट ना, कौन कंफ्यूजन हुए। इसी तरह से 5 गो वाला आ जाए तो उसको पेंटाइल कहेंगे, पेंटाइल को एमाइल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये पेंटाइल है, और इसी पेंटाइल को एमाइल के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोट कर सकते हैं, स्पष्ट ना। चलिए इधर आ जाइए, तो ओ आर अल्कॉक्सी
तो एक कार्बन लिए हैं आर के जगह पर, तो मेथ ऑक्सी जोड़ दिया गया ये पार्ट। ऐसा ही C2H5 लिए तो इसको हम लोग इथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। ऐसा ही मेरे भाई ओ C3H7 ले ले तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। इसमें क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी, प्रोपॉक्सी। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। और यो एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन ओ ले सकते हैं, ठीक है ना, या इसी को ओ पी एच लिख सकते हैं, या इसी को ओ सी 6H5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्सी। माने सब में ऑक्सीजन जुड़ेगा, कब? जब ऑक्सीजन साथ में आ जाए, तब यहाँ ऑक्सीजन जोड़ के यहाँ टोपी लिख दे तो नाम क्या हो जाएगा? टोपॉक्सी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन जोड़ के घोड़ा लिख दे तो नाम क्या हो जाएगा? घोड़ॉक्सी। क्या हो जाएगा भाई मेरे? घोड़ॉक्सी। तो हमको लगता है कि आप इस बेसिक को समझ गए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में कॉमन नेम जानेंगे, ठीक है ना। अल्केन का कॉमन नेम के बारे में अध्ययन करेंगे, और कॉमन नेम पढ़ के तुरंत उसमें हम लोग उस अल्काइल के फॉर्म में देखेंगे कि कब नियो लगता है, कब टर्शियरी लगेगा, कब आइसो लगेगा, तो कब सेकेंडरी लगेगा। इसका ट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।